स्मिता गैलेक्सी फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है कोजागरी लक्ष्मी पूजा। पिछले 2 सालों से मैं शेयर करती आई हूँ इस पूजा को आपके साथ, और इस साल भी पूजा होगी, लेकिन इस साल थोड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि पूजा का सारा आयोजन तो हो गया था, लेकिन कल मतलब पूजा से एक दिन पहले जो फीमेल वाली इशू होती है, मतलब मैं छू नहीं पाऊँगी, तो सब कुछ इस साल मम्मी को ही करना पड़ेगा और सुमन जी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे मम्मी की, और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होगी। बट आपके साथ शेयर करना मैं नहीं भूलूंगी बिल्कुल भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ। एकदम समान स्टेट, एकदम फ्लैट है, और ऊपर दिकटा त्रिभुज मतन एक उपरे चुचलो है, ऊपर दिक्ट माथाटा एक चुचलो। पातागुलो तोलार आगे डाले कृष्ण पाताय हरि, सरे बस कृष्ण तुलसी कलि। डाले कृष्ण पाताय हरि, सरे बस कृष्ण तुलसी कलि। দুটো ঠাকুরকে উলু দিতে দিতে খুব আস্তে, যাতে না ভেঙে যায়, নামাও আস্তে, একদম স্লো নামাবে আস্তে আস্তে। আর ইয়া পে সুমনজি বানা রে হ্যাঁ ভোগ, মম্মি আর সুমনজি দোনো মিলাকর মতলব মিলজুল কর বানায়েঙ্গে ভোগ। তো পুড়িয়া তলি যা রহি হ্যায় আর ইয়ে সারি পুড়িয়া ভোগ কে লিয়ে বন রহি হ্যায়। उधर है मम्मी पूरी तरह से पूजन प्रक्रिया के काम में व्यस्त, और भोग मम्मी और सुमन जी मिलकर बनाएंगे, तो सुमन जी 2 भोग बनाएंगे, मम्मी 2 भोग बनाएंगी, और इस साल मेरा छूना मना है। तो मम्मी और सुमन जी तो भगवान जी के भोग में व्यस्त है, तो घर का खाना कौन बनाएगा? घर के खाने में हूँ मैं, क्योंकि मैं इस बार पूजा नहीं कर रही हूँ, तो व्रत का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मैं खाऊंगी, सुमन जी खाएंगे, वो व्रत नहीं रख पाएंगे, मेरे पापा हैं वो खाएंगे, मम्मी व्रती है इस साल, तो फिर घर का खाना मैं बना रही हूँ। और आज कोजागरी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है कुछ ही क्षणों में, तो इसलिए बनेगा घर में शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी खाना। आज नॉनवेज नहीं बनता है हमारे में, तो इसलिए वेज खाना बन रहा है। वेज खाने में बन रहा है ढोकर डालना, तिल प्याज, प्लेन राइस, मूंग की दाल, एंड इसके साथ पनीर का कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और कई सारे फ्राइज बनेंगे इसके साथ। ढोका डालने के लिए ढोका ऑलरेडी फ्राई है, इसके साथ में मिलाई जाएगी आलू, तो आलू फ्राई हो रही है और मसाला बन रहा है। इधर मेरा चावल बन के तैयार है। প্রাণীনাচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ধনদায়নি মা লক্ষ্মী দেব নম জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতি ঈশ স্বচন্দন। और अभी पूजा के बाद मम्मी जा रही है भोग वितरण करने, और अभी ये जो साड़ी देख रहे हैं पहनी हुई हूँ मैं, ये वाली हा? तो ये साड़ी दिया था नेहा ने, मतलब मेरी जो ननद है सुमन जी की बहन है, उसने दुर्गा पूजा के गिफ्ट के तौर पर ये वाली साड़ी और सुमन जी के लिए एक शर्ट भेजा था। तो हम लोग जब जाएंगे उसके लिए और नंदोई जो है उनके लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे।
गाइस, इस साल की लक्ष्मी पूजा इस तरह की रही और 2015 यानी 2015 में ऐसा हुआ था, तब आधी रात को सारा आयोजन करने के बाद मैं खो गई थी, मतलब छू नहीं पाई थी। और 2021 में भी ऐसा हुआ, इस साल भी मैं छू नहीं पाई, तो मम्मी पे सारा स्ट्रेस था। तो मम्मी ने अकेले और सुमन जी ने थोड़ा बहुत कोऑपरेशन किया और बाहर का सामान वगैरह मेरे पापा लाए थे, जो कि हर साल मैं लाती हूँ। तो इस तरह से पूजा अभी संपन्न हो गई है और पंडित जी चले गए हैं। अभी जो है मम्मी को व्रत तुड़वाना है और उसके बाद साथ में खाएंगे, क्योंकि लंच मैंने किया नहीं था। मैं मम्मी के लिए रुकी हुई थी कि वो व्रत तोड़ेगी, उसके बाद मैं लंच करूँगी, तो साथ में दोनों लोग लंच करेंगे। और रात हो गई है तो अभी खा लेना है, पहले जो ऑफरिंग है भगवान जी का, जो प्रसाद है, उसे पहले ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे आज। और प्रसाद पहले वितरण कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। और आपके घर में, जिन लोगों के घर में बंगालीज है और पूजा करी, लक्ष्मी पूजा होती है, तो कैसी रही पूजा बताना ज़रूर। और आपके घर में भी किस तरह के रिचुअल्स होते हैं ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, जैसे मैं लगातार 2 साल से शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी करना ज़रूर, बताना एक्सपीरियंस इस साल का। और मेरा इस साल का एक्सपीरियंस ये है कि मैं छू नहीं पाई, कोई बात नहीं, गुड लक नेक्स्ट टाइम। घर लक्ष्मी पूजा है, उसमें मेरे घर में आयोजन होगी बहुत बढ़िया से, तब मनाऊंगी। और हर ब्लॉग की एक मैसेज होती है, तो ये डिवोशनल ब्लॉग्स जो हम लोग बनाते हैं, तो हमारी मैसेज हमेशा होती है कि ईश्वर भक्ति के प्रति आप अपना ध्यान आकर्षण करें, ताकि अपने आप को पॉजिटिव रख पाए हमेशा। और इससे पॉजिटिव एनर्जी का भी एक प्रभाव होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। भगवान जी के पूजा, मंत्र उच्चारण, पंडित जी के आगमन और घर की स्त्रियां और पुरुष मिलकर जो पूजा का आयोजन करते हैं, तो इसका कुछ साइंटिफिक गुड इफेक्ट्स भी रहता है, इसलिए पूजन प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ये भी सच है कि आज जैसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा थी बंगाल में, दिवाली में हम सबकी लक्ष्मी पूजा होती है, नॉन बंगालीज भी करते हैं, लेकिन ऐसे कई घर हैं जहाँ पर दिन भर की मेहनत घर की बहुएं करती हैं और सास बस पैर पे पैर उठाकर लास्ट में अपना क्रेडिट लेती है कि ये मेरे घर की पूजा है तो सारा आयोजन मैंने किया है, लेकिन किया बहू ने था। ऐसा आज भी होता है, ऐसा आज भी होता है कि मूर्ति वाली लक्ष्मी माता, जिनके पास पैसे का भंडार है, कई मर्द हाथ जोड़कर 2 बार दिन में मांगते हैं मन्नत कि मेरा पर्स हमेशा भरा रहे और मैं अरबपति बन जाऊं, लेकिन घर की जो लक्ष्मी है उसको हर रोज रुलाते हैं। घर की जो गृहिणी है, जो इतनी व्रत करके घर की समृद्धि के लिए इतनी तकलीफ करती है, उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या लक्ष्मी आएगी उनके घर में, या ऐसे मर्दों को क्या लक्ष्मी घरवान बनाएगी कभी, क्योंकि माँ लक्ष्मी श्री हर्षल भी सब में, वो खुद भी एक औरत है। घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं होगा तो बाहर की लक्ष्मी कभी आप पे पसंद नहीं होगी। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग पूजन प्रक्रिया में शामिल होते हो, कई मर्द मैंने देखा है, कई घर के पुरुष भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन घर की जो लक्ष्मी है उसका भी समानतर सम्मान देकर पूजा में अंश ग्रहण करें। और जैसे वो देवी लक्ष्मी है, तो आपके घर में भी कई देवियां हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी पत्नी है, सबका समानतर रूप में इज्जत है। यही था आज के ब्लॉग का मेन उद्देश्य कि लक्ष्मी हमेशा जो ब्यूटी है, पावरफुल है, उससे पावर मांग कर और घर की लक्ष्मी को रुला कर पावर आपको मिलने वाला नहीं है। जो भी हो, तो आप लोगों की लक्ष्मी पूजा होपफुली अच्छी रही होगी और मम्मी पूजन के बाद आई है और अभी तो थकी हुई होगी, इसलिए अभी इनको खिला दूंगी मैं और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। और पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब टू द चैनल रजिता गैलेक्सी।
लाइन के लिए एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी पूछना है पूछ लेना, और हैव अ ग्रेट टाइम एंड खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ।